رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. आज आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आई हूँ जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हम आज वर्नियर कैलिपर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके साथ एक कोटेशन शेयर करना चाहूँगी। स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। विद अ लेक्चर जो कि वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है। वर्नियर कैलिपर को यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यूजुअली जिनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर से कम होती है। और वर्नियर कैलिपर जो है ये इन्वेंट किया गया था बाय द फ्रेंच फिजिसिस्ट नेम एज पेरी वर्नियर। अब हम वन बाय वन इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे, किस किस एलिमेंट से मिलकर वर्नियर कैलिपर जो है वो बना है। वर्नियर कैलिपर में एक हमारे पास मेन स्केल होता है जिसके साथ फिक्स्ड जॉ प्रेजेंट होता है, और मेन स्केल में जो कैलिब्रेशन है, जो डिवीजन्स मेंशन की गई होती हैं, वो इंचेस में होती हैं और उसके अलावा सेंटीमीटर स्केल भी गिवन होता है। और अगेन सेंटीमीटर स्केल को डिवाइड किया गया होता है इन टर्म्स ऑफ द मिलीमीटर स्केल। वर्नियर स्केल होता है, इस वर्नियर स्केल में स्मॉल 10 डिवीजन्स जो हैं वो गिवन होती हैं, जो कि हमें वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने में यूजफुल होता है। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल जॉज, और एक्सटर्नल जॉज को यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स सच एज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द बॉल ऑफ द स्फीयर और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द साइलेंडर। जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए, जस्ट लाइक टू फाइंड आउट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करनी है तो उसके लिए फिर हम वर्नियर कैलिपर की टेल को यूज करते हैं। वी विल डिस्कस द लीस्ट काउंट, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कैसे फाइंड किया जा सकता है, लीस्ट काउंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो कि हम उससे मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हमने मीटर रूल और मेजरिंग टेप के केस में देखा था कि उसमें जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मेजर कर सकते थे वो 1 मिलीमीटर थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्केल नहीं बल्कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 2 स्केल से मिलके बना होता है, तो इसमें इस वर्नियर स्केल की हेल्प से इसका जो लीस्ट काउंट है उसको हम ज़्यादा प्रेसाइज कर सकते हैं। और वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं लीस्ट काउंट फॉर द वर्नियर कैलिपर फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, दैट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। और जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम मेन स्केल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होती है, और द नंबर ऑफ डिवीजन्स है वर्नियर स्केल की वो डिफरेंट वर्नियर कैलिपर्स में डिफरेंट है, लेकिन इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितनी है, वो 10 है। सो अगर हम इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स
वर्नियर स्केल में वो 10 है तो हमारे पास इस वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और ये लीस्ट काउंट मीटर रूल के लीस्ट काउंट से स्मॉल है. सो इट मीन्स वर्नियर कैलिपर इज मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एज कम्पेयर टू द मीटर रूल और द मेजरिंग टेप. लेकिन वर्नियर कैलिपर्स को हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं अगर हमें 10 सेंटीमीटर से लेस लेंथ या साइज के ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना हो. उसके अलावा जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा. और एरर से हमारी यहाँ पे क्या मुराद है, सबसे पहले तो अगर हम वर्नियर कैलिपर के जॉस को जेंटली क्लोज करें कि उसमें कोई भी गैप ना रहे, अगर उसके रिजल्ट में वर्नियर स्केल और मेन स्केल की जो डिवीजन है अगर ये कंसाइड करेगी तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करा या ज़ीरो एरर जो है वो ज़ीरो है. लेकिन अगर वर्नियर स्केल जो है वो आइदर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड पे हो या टूवर्ड्स द राइट साइड पे हो तो उस केस में हमारे पास वर्नियर कैलिपर में एरर जो है वो एग्जिस्ट करेगा. इन केस अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट पे है तो इट मीन्स नेगेटिव ज़ीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो है वो टूवर्ड्स द राइट साइड है एज कम्पेयर टू द मेन स्केल ज़ीरो, देन उस सिचुएशन में जो एरर जो है वो पॉजिटिव होगा. अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इस एरर को फाइंड आउट करना है और हमें अपनी फाइनल रीडिंग में करेक्शन किस तरह से करनी है. अगर आप इस इमेज में देखें यहाँ पे हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो टूवर्ड्स द राइट साइड है और इट मीन्स कि जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा. अब ये देखना कि इसमें एरर कितना एग्जिस्ट करता है उसके लिए हमें नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल फाइंड आउट करनी है जो कि मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही होगी. और इस केस में अगर आप काउंट करो तो सेवन्थ डिवीजन जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ जो है वो कंसाइड कर रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो हमने इस सेवन्थ डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर से जो कि 0.01 सेंटीमीटर था. तो हमारी जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी वो क्या होगी, 0.07 सेंटीमीटर. और अगर आप इसको मेन स्केल की रीडिंग जो कि यहाँ पे जस्ट ज़ीरो है अगर आप उसमें इसको ऐड कर दोगे तो भी आपका एरर जो है वो क्या रहेगा, 0.07 सेंटीमीटर. और क्योंकि ये एरर पॉजिटिव है तो इसकी जो करेक्शन की जाएगी आंसर में से वो नेगेटिव होगी. हमें इस 0.07 सेंटीमीटर एरर को अपने फाइनल रिजल्ट में से माइनस करना होगा. अब हम देखते हैं कि एरर नेगेटिव अगर होगा तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी. अगर ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल हमारे पास टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो एज़ कम्पेयर टू द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल तो इस केस में जो एरर होता है वो नेगेटिव होता है. और इस सिचुएशन में जब हमें इसके नंबर ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करनी है जो कि मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कंसाइड कर रही है तो अगर आप यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9th डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल की डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर रही है. ये डायग्राम आपकी बुक से ली गई है सो यहाँ पे आपने अपनी बुक में भी करेक्शन करनी है. ये 8th नहीं 9th डिवीजन है जो कि वर्नियर स्केल की मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है. सो जो हमारी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी अगर आप उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 0.09 सेंटीमीटर होगा. और क्योंकि यहाँ पे वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ्ट पे था तो हमें इस वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड करना है नेगेटिव 0.1 में. और इसके रिजल्ट में जो हमारा एरर होगा वो इक्वल होगा -0.01 सेंटीमीटर. अगर आप माइनस
0.1 में 0.09 को ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट में आपका जो जीरो एरर आएगा वो आपके पास -0.01 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये एरर नेगेटिव है तो इसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी। जो भी आपका आपकी रीडिंग होगी आपने उस रीडिंग में इस एरर को फिर ऐड करना होगा टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट। फॉर एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट इमेज में हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो कंसाइड कर रहा है, तो इट मीन्स कि इस वर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड रीडिंग में आपके पास जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो टूवर्ड्स द राइट साइड है, तो इट मीन्स द एरर इज पॉजिटिव। और कितना एरर है वो हमें पता चलेगा अगर हम वर्नियर स्केल की वो डिवीजन फाइंड आउट कर लें जो कि मेन स्केल की डिवीजन के साथ कंसाइड करी। और इस केस में ये 8th डिवीजन जो है वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है, तो जो हमारा जीरो एरर होगा वो क्या होगा +0.08 सेंटीमीटर। हमने सिर्फ इस वर्नियर स्केल की डिवीजन को वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। थर्ड इमेज जो कि नेगेटिव एरर के लिए है, जिसमें वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है। इस केस में अगर आप नंबर ऑफ डिवीजन देखो जो कि मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है वो आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 है। फोर्थ डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही है, तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट के साथ तो वो आपके पास 0.04 सेंटीमीटर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव जीरो एरर को कैलकुलेट करने के लिए हम वर्नियर स्केल की रीडिंग को ऐड करते हैं -0.1 सेंटीमीटर में, तो अगर आप -0.1 सेंटीमीटर में ऐड करोगे 0.04 सेंटीमीटर तो आपका जो एरर होगा वो -0.06 सेंटीमीटर होगा। एंड अगेन अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव की जाएगी, उसको माइनस किया जाएगा, और अगर एरर नेगेटिव है तो अपने करेक्शन में हम इसको ऐड करेंगे। कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को या डायमीटर को कैसे मेजर कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्ट को जेंटली प्लेस करना है बिटवीन द आउटर जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर अगर हमें उसका एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप है मेन स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करना। अब तक जीरो एरर में हमने सिर्फ और सिर्फ वर्नियर स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट करने का मेथड देखा था। मेन स्केल की रीडिंग कैसे फाइंड आउट की जाती है? मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट लेफ्ट वाली रीडिंग को कंसीडर किया जाता है। इस केस में जीरो से लेफ्ट पे 3 और 3 के बाद एक और स्मॉल लाइन हम देख सकते हैं जो कि मिलीमीटर स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो ये रीडिंग हमारे पास जो है वो 3.1 सेंटीमीटर, और अगर हम इसको मिलीमीटर की टर्म में लिखेंगे तो ये 31 मिलीमीटर हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है। थर्ड स्टेप है इसकी वर्नियर स्केल की रीडिंग को फाइंड आउट करना। वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम उस डिवीजन को फाइंड आउट करेंगे जो कि मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही होगी, और यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 फोर्थ डिवीजन ऐसी है जो कि कंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास वर्नियर स्केल की जो डिवीजन 4 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, और मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट था तो हमारी रीडिंग 0.4 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में वो 0.04 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। फाइनल स्टेप है टोटल डायमीटर फाइंड आउट करना या टोटल लेंथ फाइंड आउट करना। सो इस केस में हमारी मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को हमने ऐड करना होता है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है, अगर आपने मेन स्केल की रीडिंग मिलीमीटर में ली है तो वर्नियर स्केल की रीडिंग भी आप मिलीमीटर में ही लोगे, दोनों कि यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। और अगर आप सेंटीमीटर वाली रीडिंग लेते हो फिर आपको उसमें सेंटीमीटर वाली वर्नियर स्केल की डिवीजन को ऐड करना होगा। सो अगर हमने यहाँ पे मिलीमीटर में लिया है 31 मिलीमीटर जो कि मेन स्केल की रीडिंग है, तो फिर हम इसमें
ملی میٹر والا ورنیئر اسکیل ڈویژن جو ہے وہ ایڈ کریں گے جو کہ 0.4 ملی میٹر ہے, تو ہمارا جو فائنل ڈائی میٹر ہوگا وہ 31.4 ملی میٹر ہے. سو ورنیئر کیلیپر کو یوز کرنے کا یہاں پہ ہمارے پاس فائدہ کیا تھا, ہمیں اگر ہم صرف اسکیل کو یوز کرتے اس کا ڈائی میٹر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو ہمارا آنسر 31 ملی میٹر ہوتا, لیکن یہ 31 ملی میٹر سے جو ایکسٹرا ڈسٹینس جو کور کیا وہ کتنا تھا یہ چیز ہمیں اس ورنیئر اسکیل کی ہیلپ سے ہی پتہ چل سکتی تھی. تو ورنیئر کیلیپر نے اس ریڈنگ کو مزید پریسائز کیا اپ ٹل تھرڈ ڈیسیمل پلیس جسٹ لائک 31.4 ملی میٹر. ادروائز اگر ہم صرف اسکیل کی ہیلپ سے اس کو میجر کرتے تو ہمارا آنسر جو ایکوریٹ ہوتا وہ صرف 31 ملی میٹر ہوتا. مزید کتنی لینتھ ہے کیونکہ اس نے نہ تو 32 تھی نہ ہی 31 بلکہ ان کے میڈل میں کہیں پہ وہ لائک کر رہا تھا, سو اس کو ایکوریٹلی ہمارے لیے بتانا پاسبل نہیں تھا ود دا ہیلپ آف اے اسکیل, لیکن ورنیئر کیلیپر کی ہیلپ سے ہم نے اس پوائنٹ کے بعد والے ڈیسیمل کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا. کو دیکھ لیتے ہیں, یہاں پہ آپ کے پاس ایکسٹرنل جاز میں کوئی بھی آبجیکٹ پلیس ہے, سو مین اسکیل کی ریڈنگ ورنیئر اسکیل کے زیرو سے جسٹ لیفٹ پہ لکھی جاتی ہے, اور یہاں پہ ہمارے پاس ملی میٹر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ 11 ملی میٹر ہے, اور ورنیئر اسکیل کی ڈویژن اگر ہم نے دیکھیں کہ کون سی کنسائڈ کر رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس 7th ڈویژن جو ہے وہ کنسائڈ کر رہی ہے مین اسکیل کی ریڈنگ کے ساتھ. تو ہمارے پاس جو ورنیئر اسکیل کی ریڈنگ ہوگی 7 کو اگر آپ اس کے لیسٹ کاؤنٹ سے ملٹی پلائی کرو جو کہ 0.1 ملی میٹر ہے, سو وہ 0.7 ملی میٹر کے اکول ہوگا, اور ہمارے پاس فائنل اسٹیپ ہوتا ہے مین اسکیل کی ریڈنگ کو ورنیئر اسکیل کی ریڈنگ میں ایڈ کرنا, اور یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم 11 کو 0.7 ملی میٹر میں ایڈ کریں گے تو ہمارا جو فائنل آنسر ہوگا وہ 11.7 ملی میٹر ہے, اور اگر ہمارے پاس اس میں کوئی بھی ایرر ہو تو اس کو پھر ہم نے پلس مائنس کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف دا ایرر. آپ کی بک کی ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں جو کہ ورنیئر کیلیپر کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, آپ نے اس ہوم ورک کو اپنی فزکس فائل میں کمپلیٹ کرنا ہے. کوشچن نمبر 1.7 واٹ از مینٹ بائی دا ورنیئر کانسٹنٹ, کوشچن نمبر 1.8 واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا زیرو ایرر آف میجرنگ انسٹرومنٹ, اینڈ کوشچن نمبر 1.9 جو کہ وائی از دا یوز آف زیرو ایرر نیسسری ان ا میجرنگ انسٹرومنٹ ہے. کنفیوژن ہے کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.